Hello friends, welcome to Niti's Crochet Art. In this today's video class 3, we will going to learn how to work single crochet stitch. So aaj ki is class number 3 mein hum single crochet stitch kaise work sakte hain, kaise work kar sakte hain uski hum practice karenge. To pehle to aapko is tarah se hook aur is tarah se aapko knot prepare karna hoga. मैं हुक को इस तरह से पकड़ रही हूँ और धागे को इस तरह से होल्ड कर रही हूँ इन दिस वे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहले सिंगल क्रोशे बनाने से पहले हमें चेन स्टिच वर्क करना होगा. तो एज यू नो, चेन स्टिच करने के लिए इस तरह से यार्न ओवर करके हम ये जो धागा है उसको सिंपली यहाँ से बाहर निकालेंगे इस तरह से. अगेन यार्न ओवर और ये जो होल है उसमें से बाहर निकालेंगे. सिमिलरली अगर आपको बेसिक स्टिच आ जाएगी तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा कोई भी फ्लावर बनाना या तो फिर लीफ बनाना, ब्लैंकेट बनाना, स्वेटर, फ्रॉक एक्सेट्रा आप इजीली बना सकोगे अगर आपको ये बेसिक स्टिच अच्छे से आ जाएगी उसके बाद. सिमिलरली कंटिन्यूइंग दिस वे, ये अभी मैं चेन स्टिच बना रही हूँ. तो चलो सपोज हमने ये स्टिच इतनी चेन स्टिच बना ली, उसके बाद हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे. तो सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करने के लिए इसको, ये जो करंट पॉइंट है हमारा, इसको मैं इस तरह से पकड़ूंगी इस तरह से. ये जो चेन स्टिच है इसको मैं इस तरह से होल्ड करूंगी एंड चेन वन मोर. एक बार हम वापस चेन स्टिच करेंगे और ये जो हमने पकड़ा है पॉइंट, यहाँ पे हम वापस इंसर्ट करेंगे सुई को इस तरह से और यहाँ से हम ये धागा इस तरह से बाहर निकालेंगे और ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे इस तरह से. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट चेन स्टिच. सिंपली मैंने ये प्रीवियस चेन स्टिच में इंसर्ट किया हुक को और ये धागा निकाल के दोनों होल में से मैंने उसको बाहर निकाला. वंस अगेन आई एम शोइंग यू. चलिए अब ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें हम इस तरह से सुया निकालते हैं और ये इस धागे को इस तरह से बाहर निकाल के फिर ये जो दो होल्स है उसको हम कंबाइन करेंगे इस तरह से. तो ये हमारी सेकंड सिंगल क्रोशे स्टिच हुई. सिमिलरली नेक्स्ट चेन स्टिच में हम वापस सुइया इंसर्ट करेंगे, इस तरह से धागे को बाहर निकालेंगे और फिर दोनों को वापस कंबाइन करेंगे. यही स्टेप्स आपको कंटिन्यू रखना है. सिमिलरली इंसर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच, दिए धागे को इस तरह से पकड़ के उसे बाहर निकालना है और फिर ये जो दोनों होल्स है उसको हम कंबाइन करेंगे इस तरह से. बस यही आपको कंटिन्यू रखना है. अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट चेन स्टिच में और अगेन दोनों को कंबाइन करेंगे. ये स्टेप्स आपको तब तक करना है जब तक आपके फाउंडेशन रो यानी कि चेन स्टिच ख़त्म नहीं हो जाती. सिमिलरली अगेन इंसर्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच, धागे को इस तरह से आप बाहर निकालो और फिर आपको दोनों को इस तरह से कंबाइन करना है. मीनवाइल आल्सो ऑब्जर्व द होल्डिंग टेक्निक्स ऑफ दिस वर्क. मैं जब भी मैं जैसे पॉइंट शिफ्ट करती हूँ नेक्स्ट वर्क तो मैं इस तरह से होल्ड करती हूँ इस तरह से. चलिए अब नेक्स्ट चेन स्टिच यहाँ पे है तो हम ये वर्क करेंगे इस तरह से. नेक्स्ट चेन स्टिच, सी ये बैक साइड है
और ये फ्रंट साइड है चेन स्टिच में। This is the last chain stitch. Okay, तो ये हमने first single crochet row complete की। अब next row करने के लिए ये front side है हमारे work की and this is the back side. Front side and back side. So in order to start our second row we need to turn our work. So ये जो front side है उसको हम इस तरह से घुमा देंगे और ये back side आगे लाएंगे। Again slowly मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अभी हमने इस तरह से धागे को पकड़ा है इस तरह से, ये last single crochet stitch work किया। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से थंब रख के ये जो आपकी फ्रंट साइड है उसको हम बैक साइड ले जाएंगे और फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे आपको चेन वन करके ये जो नेक्स्ट स्टिच है, ये जो आप छोटा सा गैप दिख रहा है हर एक दो स्टिच के बीच में, दो स्टिच के बीच में जो गैप है उसमें से हम अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने एक चेन स्टिच ली, तो अब हम जो सुइया है वो नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे इस तरह से। और ये धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे और वापस सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे आपको इंसर्ट एक धागे में से नहीं करना है, लेकिन इस तरह से दो धागे कवर होने चाहिए। ये जो टॉप साइड है तो इस तरह से नहीं करना है, लेकिन आपको इस तरह से दोनों में कवर करना है। सी, वापस हम इसको कंबाइन करेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे सुया इस तरह से, हुक को इंसर्ट करेंगे। सी, दोनों लूप्स मैंने कंबाइन किए हैं इस तरह से। फिर स्लोली धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। सिमिलरली आपको हर एक नेक्स्ट स्टिच में से वर्क करना है। सो रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर दिस सेकेंड रो। हर एक नेक्स्ट स्टिच में से हम इस तरह से सुए को इंसर्ट करेंगे और उसको कंबाइन करेंगे। चलिए अब लास्ट स्टिच है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो लास्ट लूप है इस तरह से वहाँ इंसर्ट करके वहाँ से इस तरह से धागा निकाल के दोनों को कंबाइन करोगे। फिर हमने इस तरह से पकड़ा है। सी, अब सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है सिंगल क्रोशे की। तो अब थर्ड रो बनाने के लिए अभी ये जो करंट फ्रंट साइड है उसको हम इसको हम टर्न करेंगे। तो ये जो फ्रंट साइड है उसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और फिर इस तरह से पकड़ेंगे। सिंपली हमने जो आगे की साइड थी उसको अब पीछे बना दिया है और पीछे की साइड है वो आगे आ गई है। अब हम चेन वन करेंगे। अब हम वापस डायरेक्शन हमारी राइट टू लेफ्ट हो गई। चेन वन किया मैंने, अब वापस नेक्स्ट स्टिच में। सी, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो की फर्स्ट स्टिच ये है,
यहां से मैं सिंगल क्रोशे करूंगी। सिमिलरली आपको टर्न करते रहना है और इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते रहना है। सी यहां पे गैप आ गया, अब वापस हम सिंगल क्रोशे करेंगे, वापस नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, वापस नेक्स्ट स्टिच कौन सी है, ये प्रीवियस रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो हमें हुक को सेकंड रो की स्टिच में इंसर्ट करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, ये फर्स्ट रो का गैप है और ये सेकंड रो का है, तो हमें सेकंड रो की जो गैप है उसमें इंसर्ट करना है और इस तरह से। तो बस यही चीज़ आपको रिपीट करनी है अल्टरनेट वे में। ये बहुत ही सिंपल स्टिच है, सिंगल क्रोशे स्टिच, और ये स्टिच यूज़ करके आप अपने लैपटॉप कवर्स बना सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रेफ्रिजरेटर कवर बना सकते हैं, या तो फिर अफगान बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। ये मैंने जो चेन्स फर्स्ट ली थी वो छोटी ली थी, लेकिन अगर आप ब्लैंकेट बनाना चाहते हो तो चेन्स हो है वो चेन्स जो है वो आपको ज़्यादा वर्क करनी पड़ेगी। जितनी चेन ज़्यादा लंबी होगी उतना ही आपकी साइज़ जो है ब्लैंकेट की वो इतनी ही बड़ी होगी। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इतनी ही चेन्स ली थी, लेकिन अगर आप ब्लैंकेट बनाना चाहते हो तो इससे आपको 100 टाइम्स ज़्यादा चेन्स वर्क करनी पड़ेगी। और इसी तरह से आपको सिंपल वे में इस तरह से सिंगल क्रोशे वर्क करते रहना है अल्टरनेट। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और फोर्थ रो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप आई होप ये वीडियो देख के आप इजीली कंटिन्यू कर सकोगे। तो चलिए ये लास्ट रो है। अब ये जो फ्रंट साइड है वो इसको हम इस तरह से बैक साइड बना देंगे और यहाँ से हम एक चेन वर्क करेंगे। फिर ये जो थर्ड रो की स्टिच थी, थर्ड रो की स्टिच थी, वहाँ से हम इस तरह से सुई को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे। वापस अगर आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। इस तरह से हम अभी हमने फोर्थ रो स्टार्ट किया है सिंगल क्रोशे का। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है, आपका जितना वर्क हो उस हिसाब से। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में, ये क्लास नंबर 3 था जिसमें हमने सिंगल क्रोशे प्रैक्टिस की, क्लास नंबर 4 में हम सिंगल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच यूज़ करके हम नेम कैसे लिख सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो टिल देन एन्जॉय योर डे।